हाय। तो आज हम फिर से मैनेजमेंट में ही डील कर रहे हैं आगे। तो लास्ट टाइम हमने ओपीडी के बारे में डील किया था, तो उसमें हमने कुछ एरियाज डील करे थे। तो उसको और अच्छी तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो हम उसको जोन्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइक एरियाज भी जोन्स ही हैं, आप वो भी लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन दिस विल बी मोर इफेक्टिव। मैंने बहुत सारी बुक्स में देखा, तो उसके बाद मुझे जो सही से कैटेगराइजेशन लगा वो ये, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ सारी सही सब सारे जोन सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो आइए एक बार देखते हैं। तो सबसे पहला जोन जो है वो है फंक्शनल जोन। फंक्शनल जोन ये ऐसा एरिया जहाँ पे वेटिंग स्पेस होगा, एंट्रेंस हॉल होगा, पार्किंग एरिया होगा, और जो भी हम पर्चा कटवाते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन या फिर मेडिकल सोशल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। अटेंडेंट्स वेट करते हैं यहाँ पे, रिलेटिव्स वगैरह। तो ये फंक्शनल जोन ये हुई। उसके बाद आती है एडमिनिस्ट्रेटिव जोन। एडमिनिस्ट्रेटिव जोन वो होगा जहाँ पे कैश काउंटर होगा, मेडिकल रिकॉर्ड रूम होगा, या फिर नर्स स्टेशन की कंट्रोलेशन होगी, वहाँ पे नर्सिंग स्टेशन होगा, राइट, और ओपीडी इंचार्ज का ऑफिस होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट डायग्नोस्टिक एंड सपोर्टिव जोन। डायग्नोस्टिक एंड सपोर्टिव जोन, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, नाम से ही पता चल रहा है, यानी डायग्नोसिस से रिलेटेड है। सारे लैब्स, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटीज वगैरह इसमें आएंगे। एम्बुलेटरी जोन, एम्बुलेटरी जोन ये है कि जहाँ पर पेशेंट डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के, और वहाँ से एडवाइस और ट्रीटमेंट मिलता है उनको। यानी क्लिनिकल एरिया है ये, क्लिनिक्स होते हैं, बहुत सारे मेडिकल डिसिप्लिन्स होते हैं यहाँ पे, मतलब फॉलो होते हैं यहाँ पे। उसके बाद फार्मेसी माइनर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ओटीज होती है माइनर, और ट्रीटमेंट रूम होता है। उसके बाद स्टाफ जोन होता है। स्टाफ जोन में क्या होगा, जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं वही यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ड्यूटी रूम, स्टोर्स आते हैं, और हाउसकीपिंग एंड कॉन्फ्रेंस रूम्स आते हैं। तो ये चीज़ जो थी वो मेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जोन थी। ये जो हमने पांच जोन देखे ये जोन थे। इसके बाद ना कुछ और आप चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, लेकिन क्लासिफाइड जोन ऑफ ओपीडी के अंदर ही करना। वो है रिकॉर्ड्स। तो ये एक सेक्शन होता है या एक सेपरेट यूनिट होता है जहाँ पे इन पेशेंट रिकॉर्ड्स होते हैं और आउट पेशेंट रिकॉर्ड्स सारे रखे जाते हैं। उसके बाद ओपीडी टाइमिंग, यार ये तो आप हर जगह का अलग अलग फॉलो होता है नॉर्म्स। तो कहीं कहीं पे ये होता है ना 6 डेज इन अ वीक चलनी है या 7 डेज ही वीक चलेगी। तो गवर्नमेंट में वैसे होता है संडे वाले दिन ओपीडीज बंद रहती हैं, तो 6 डेज इन अ वीक चलेगी, 8 से 12 टाइमिंग रहेगी, 8 से 2 रहेगी, स्पेशल क्लिनिक 2 से 4 होंगे, ऐसा जो भी टाइमिंग होती है ओपीडी की वो होता है इसमें। पब्लिक रिलेशन वाला डिपार्टमेंट जो है या फिर पब्लिक रिलेशन जो कंपोनेंट है वो ये होता है कि पब्लिक की कंप्लेन को कम करने के लिए जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करना। यहाँ पे पूरा स्टाफ जो होता है ओपीडी का वो एज अ वार्म फीलिंग के थ्रू पब्लिक के फीलिंग को, इमोशंस को समझने की कोशिश करता है अगर वो कोई कंप्लेंट लेके आते हैं तो, और मिनिमाइज़ करते हैं कम से कम, मतलब अपनी तरफ से कोई भी गलतियाँ ना हो, नेग्लिजेंसी ना हो, तो पेशेंट के साथ मिसबिहेव ना हो। तो इसके लिए अब फैसिलिटीज़ इन ओपीडी, आपको पता है ओपीडी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है अपने नंबर आने के लिए, राइट। तो सुबह से पर्चा कटा दिया और अभी तक नंबर नहीं आया। हाँ, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए होती है, जैसे टीवी वीसीआर सिस्टम हो गया, या फिर फैंस हो गए, अवेलेबिलिटी, प्रॉपर लाइटनिंग, फर्नीचर इनफ होना, वॉल्स हों प्रॉपर जिसपे, और कुछ रूल्स भी लिखे हो लाइक नो स्मोकिंग वगैरह का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती है वेटिंग करने के लिए पेशेंट, ताकि पेशेंट बोर ना हो, तो हम टीवी वगैरह लगाते हैं, न्यूज़ चैनल मोस्टली। उसके बाद स्टाफिंग और ओपीडी में आप ये देख सकते हो कि हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में भी क्या क्या चाहिए होते हैं, कौन कौन से स्टाफ। तो मेडिकल स्टाफ में कंसल्टेंट जो होते हैं, प्रोफेसर, सीनियर लेक्चरर, मेडिकल ऑफिसर, रेसिडेंट, जूनियर, सीनियर्स, एट्सेट्रा। नर्सिंग स्टाफ में हम वैसे ओपीडी में मेन बनी बहुत ही रेयर नर्सेज होते हैं, और होती हैं तो एक या दो नर्सेज, एक ही नर्स होती है। और पैरामेडिकल स्टाफ होता है इंजेक्शन रूम, ड्रेसिंग रूम और रजिस्ट्रेशन में एमआरडी डिपार्टमेंट्स के लिए, रिसेप्शनिस्ट और मेडिकल सोशल वर्कर्स होते हैं। तो आई होप आपको जोन्स ऑफ ओपीडी अब अच्छे से समझ में आ गए हो। थैंक यू।